नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सिमरिया विधानसभा में विधायक का किस तरह से आतंक है यह कोई नई बात नहीं है, कई बार इसके उदाहरण सामने आ चुके हैं। ताजा मामला उस समय का है जब थाना प्रभारी ने खुलासा कर दिया। दरअसल पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय कारोबारी ने फोन पर थाना प्रभारी से बात की तो थाना प्रभारी ने यह स्वीकार कर लिया कि विधायक के द्वारा पुराने मामलों की फाइल खुलवा कर मामले दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया के सामने ये बयान कैद होने के बाद पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया है। आनन फानन में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने उक्त ऑडियो की जांच कराकर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। दरअसल मामला सेमरिया में हो रही अवैध वसूली का है, जहां के कारोबारी भागीरथी शुक्ला ने कई बार इस मुद्दे को उठाया तो विधायक बौखला गए और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ने यहां तक कहा कि किसी भाजपा नेता से दबाव बनवाकर विधायक पर अंकुश लगवाओ, उन्हें भरोसा दो, चुनाव में उनकी मदद करोगे अन्यथा धाराएं लग सकती हैं। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी ने भी कहा है कि अब अपने परिवार को बचाने का समय है, पैसा कमा लिए हो, शांति से रहो। ये वार्तालाप पत्रकार वार्ता के दौरान भागीरथी शुक्ला ने थाना प्रभारी को फोन कर सुनाया था। आपको बता दें कि भागीरथी शुक्ला कई बार विधायक के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, जिसका यह नतीजा हुआ कि उन पर अब दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि भागीरथी शुक्ला का सिमरिया में टोल प्लाजा चलता है, जहां किसी व्यक्ति से शिकायत कराकर उन्हें परेशान करवाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पहले थाना प्रभारी ने भागीरथी शुक्ला से क्या कहा और उसके बाद आपको सुनाएंगे एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा है। हालांकि कारोबारी भागीरथी शुक्ला से दूसरी तरफ कौन बात कर रहा है यह जांच का विषय है, लेकिन उनके मोबाइल में जो नंबर सेव था वो थाना प्रभारी सिमरिया के नाम से है। जी फिर आए तो नहीं रहा वो औरत के लेके, हम गए रहे नो के पास आदमी लेके। हाँ आए तो नहीं रहा, फिर नहीं आया था ना औरत को लेकर शिकायत कराने। नहीं अपना जब कल सुबह हमको फोन किया था ओके बाहर हम ओके उसके पास गए अपने आदमियों को लेके दबाव बनाए कि भाई तुम काय कर रहे हो, तो उसने कहा कि वो बार बार विधायक जी और मंडल अध्यक्ष जी का फोन आ रहा है। तो बोला कि हम तो किसी हाल में नहीं जाएंगे तैयार थे, हाँ, और मेरे ऊपर दबाव बना के भेजा जा रहा था। तो बोले आपको किसने कहा, हमने कहा हमको अगर फोन आया, फिर हमने लास्ट में बताया कि भाई तुम जाने वाले हो और जबरदस्ती TI साहब ने हमसे कहा। हम देख भी रहे थे जब परसों उस दिन मैं बैठा था थाने में 4 तारीख को, तो बार बार आपके पास फोन ही नहीं कर रहा था, अपना काबो भैन, हाँ, कि दबाव है क्या करूँ। हाँ पर देखिए हम नहीं, हमने किसी से नहीं कहा, हम क्यों कहेंगे किसी से। अब आपने तो अजय को फोन किया था, तो फोन किया था। हाँ अजय शुक्ला को भी आपने बताया था, अजय ने हमको फोन किया था। हम जा रहे तो घर वाले बंदे में, तो उन्होंने कहा तो अपने को ये करना है कि वहाँ दो चार लोगों को वहाँ बयान करवा दो जिससे नौकर है। हाँ जी है ना। हाँ तुम नहीं थे, तुम थे नहीं। नहीं मैं तो वैसे भी नहीं था, मैं तो मझगामा में था। सुरेश आया नहीं थे यार, वो न्यायालय वाला काम होता है। अच्छा न्यायालय निपटाएगी और पता नहीं कितने साल लगे। हाँ हाँ है ना, तो उसमें ये उनके बयान में ये स्पष्ट आ जाए कि भागीरथ नहीं थी जी है ना, और जितने बातचीत हुई आने जाने का उसने 400 रुपये दिया। हाँ ठीक है जी, और विवाद हो खुद लेना लगा था कि सारे तुम लोग लोकल के पैसे क्यों लेते हो, इस टाइम से बयान करवाओ उनसे, तो अपने स्टाफ से। हाँ अपने स्टाफ से करवा दो जी, और इलाज करे करवा दो कि भाई उस समय ये भी था। हाँ लोग बयान जाएंगे जी, ठीक है तो मैं ठीक है मैं स्टाफ का करवा दूंगा बयान, लेकिन मेरे को जो मोहरा बनवा रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं विधायक जी के, जी गलत बता रहे हैं। हमने बता दिया कि भाई मौके पर वो तो था नहीं, तो बोले वो तो बोलने से मतलब नहीं होता, आरोपी को बोलने से। मेरे यहाँ की आदरणीय कैमरा लगा, वीडियो कैमरा लगा है, तो कैमरा का निकलवाना है हमने, वो आपसे बोला ना कि भाई अगर वीडियो सीसी कैमरे में आएगा। हाँ हाँ है ना। हाँ थोड़ा सा अपने यहाँ लोकल वालों से नहीं अच्छी किसी दूसरे के माध्यम से जी, अरे तो लोकल वालों में से किसी बीजेपी के नेताओं में
है ना अपनी। हाँ है ना, तो कहलवाना पड़ेगा विधायक को, कहलवा दे। उनसे ये कहलवाओ कि यार कहे इतनी बेइज्जती किया, इसे करवा रहे हो ऐसा। वोट करना है आपने का, समझे करो जी, है ना। अभी ये अपने को देखना है, अबे मिश्रा को नहीं देखना, हमको अपना अपने को देखना है। जी जी समझ रहे जी। और कौन से बोल रहे हैं, हमने तो ये बोल दिया भैया समय आने पे ऐसा नहीं है कि भागीरथ आपका विरोधी रहेगा। हाँ अभी जैसा समय है वैसा आदमी कर रहा है। जी जी जैसा किया है जिंदगी भर, और समय अगर आएगा और आपका की आवश्यकता, आपको आवश्यकता अगर होगी जी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो ब्राह्मणवादी हैं। जी जी इस टाइप से थोड़ा सा करवा सकते तो वो भी करवा दो। चलिए ठीक है, तो बीजेपी के कौन कौन नेता का ढूंढ ही थे तो हम अपनी रहे या ना रहे कि अब सीआई बोल रहे। हाँ नहीं हम ना बोलेंगे आपके लिए, तो ब्राह्मणवादी किसको बोल देते हैं? अरे उनको बोलना है कि मतलब भाई आज तो चुनाव है नहीं। हाँ चुनाव तो 2023 में है। हाँ और जब जैसी अगर आवश्यकता पड़ेगी मेरी मदद की तो मैं अंदरूनी करूँगा जी केपी की। हाँ जब जरूरत पड़ेगी भाई, हम कोई अभी बाउंड नहीं भर रहे। जी 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 है ना, बोलना है मतलब आदमी दबाव तो इसलिए डालता है ना। जी जी कि भाई ये मेरे फेवर में आ जाए। जी जी यही रहता है ना भाई। हाँ इसीलिए तो दबाव डाल रहे हैं ना बार बार, कहीं हमको नगर पंचायत में हमारे उसमें भवन में टैक्स में भेजेंगे, होटल में तो कहीं कहीं भेजेंगे, कहीं टोल में, बहुत परेशान करते हैं। वही बात है कि भाई अब वो उसको नहीं देख रहे, उसको अब जो बाजार बैठकी का चल रहा है उसको नहीं देख रहे, जो 50 से 60 हज़ार रुपये डेली आ रहे हैं। वही बता रहा है कि अगर उनको ये देखना नहीं होता कि अभय मिश्रा की बिल्डिंग देखेंगे और तुम्हारी देखेंगे जी, कोई ना कोई अपने क्षेत्र के अपने लोग बाहर मंगली करते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल करते हैं, है ना जी। तो अपने को भाई बचाव करना है, तैर के नदियां पार करना है बिना FIR जी, है ना, क्योंकि अपन राडर पर पहुंच चुके हैं। जी जी है ना जी। अच्छा है कि केस में मामला कायम नहीं हुआ है जी, है ना जी। तो अपन बच रहे हैं जिला बदल जी, वाई फाई दो बार बुलवा चुका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुलवाया होगा तो लगा कि किसी हाल में मुकदमा कायम कराओ, इसको जिला बदर कराओ, दो बार तीन बार हमारे ऊपर मुकदमा जबरदस्ती लगवा चुका वो। हाँ तो 2021 में अभी बचे रहे। हाँ तो उसमें बच रहे हैं अपन। जी जी है ना, और अपने को बचना है यार, वो जवाना थोड़ा की जवानी है वहाँ जबरदस्ती होता रहे। जी जी और आदमी अपनी अपनी बचत करता है। जी जी है ना, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करके हमें फायदा उठाना था, अपना नाम कमाना था, वो भी कमा चुके, अपना धंधा भी कमा चुके। जी जी अब समझदारी ये है कि भैया जैसे ही हवा चले वैसे बना के अपने परिवार को जी कोई कष्ट ना हो अपने द्वारा। जी जी है ना, तो ऐसा कर लो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है आदरणी, ठीक है चल सर। मैं जैसा आपने मुझे वीडियो दिखाया इससे जानकारी में आया है कि कोई ऐसा वीडियो है, क्लियर नहीं हो रहा है कि वो वीडियो में कोई किसी तरह का कोई जो बात करने वाला है वो थाना प्रभारी ही है। हम सारे तथ्यों के संबंध में जानकारी ले लेंगे और उनके द्वारा विभागीय अनुशासन का कहीं कोई उल्लंघन हुआ होगा तो हम उसमें जाँच करके कार्रवाई करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़, नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।